दोस्तों, सरकार ने तो 59 चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया ही था और अब कल जाकर उसने भारत सरकार ने फिर से 4 चाइनीज़ ऐप पे फिर से लॉक लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ परवेश खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल परवेश टेक्निकल। अगर आप भाई के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने तो कमर कस ली है चाइनीज ऐप को एकदम इंडिया से निकालने की, तो मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों। और ये चाइनीज ऐप कौन कौन से हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल में ये है ऐप्स अभी भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहता हूँ और मेरा सजेशन है कि आप इसे हटा दें दोस्तों, अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए ख़तरा है। इससे आपका डेटा तो लीक होगा ही और बहुत सारे नुकसान भी है दोस्तों। तो मैं आज इन सब के बारे में यही बात करूंगा कि भारत सरकार ने 15 चाइनीज़ ऐप्स बैन किए थे तो बहुत लोगों ने सोचा था कि मतलब वो फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने फिर से एक बार मौका दिया था लेकिन ये ऐप्स काम नहीं कर पाए। इन्होंने 70 सवालों के जवाब नहीं दिए और 70 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इसलिए फिर से ये परमानेंटली बैन की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये बैन है अभी तक। मोटा मोटी बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स जो थे वो फिर से भारत में एंट्री मारने की सोच रहे थे, लेकिन सरकार ने अब कमर बहुत अच्छे से कस ली है। दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, उसने बहुत सारे ऐप्स तो बैन किए थे लेकिन अब इन 4 ऐप्स को बैन किया है, जो अब इनका फिर से आना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये कौन से 4 ऐप्स हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला ऐप है आपका हेलो लाइट। दोस्तों, हेलो ऐप को तो बैन हो गया है, उस 59 चाइनीज ऐप की लिस्ट में हेलो ऐप आया था, लेकिन हेलो लाइट था वो जो अभी भी प्ले स्टोर पर शो कर रहा था और बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे थे दोस्तों, लेकिन भारत सरकार ने अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद इसे भी बैन कर दिया है। दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाके चेक कर सकते हैं कि हेलो लाइट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, हेलो लाइट जो था हेलो ऐप का ही एक छोटा वर्जन था जो लोग उसे भी यूज़ कर रहे थे। और दूसरा ऐप है दोस्तों शेयर इट लाइट। दोस्तों, शेयर इट लाइट एक ऐसा ऐप है जो जिससे हम वीडियो और बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते थे। ये शेयर इट का ही दूसरा सेकंड वर्जन है जो लाइट वर्जन है दोस्तों, तो भारत सरकार ने इसे भी बैन कर दिया है पूरी तरह से। तीसरा वर्जन है दोस्तों वीगो वीडियो का लाइट वर्जन। दोस्तों, वीगो वीडियो को भी भारत सरकार ने अपनी पूरी लिस्ट से बैन कर दिया था, उसे भी 59 चाइनीज ऐप्स की लिस्ट में वीगो वीडियो को भी बैन किया गया था, लेकिन वीगो वीडियो लाइट का जो ऑप्शंस था वो प्ले स्टोर में रह गया था दोस्तों। तो भारत सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अभी बहुत सारे चाइनीज ऐप्स हैं जो अभी धीरे धीरे फिर से बैन होंगे दोस्तों, वो वीगो वीडियो भी बैन हो चुका है। तीसरा है VFX लाइट। दोस्तों, ये VFX लाइट जो है वो भी इंडिया में रह गया था और चाइनीज ऐप्स है ये भी, और ये भी सरकार ने बैन कर दिए हैं। गाइस, ज़रूरी नहीं कि इन 4 ऐप्स के बैन होने के बाद भी हमारी इंडिया गवर्नमेंट बाकी ऐप्स को बैन ना करे। बाकी ऐप्स में जो है इंडिया की नज़र है, उन ऐप्स के मैं नाम यहाँ पे भी शो कर दूंगा कि बाकी ऐप्स चाइनीज़ कौन कौन से हैं जिन पे इंडिया गवर्नमेंट की सख्ती से नज़र है। यहाँ पे है दोस्तों ऐप लॉक और MV मास्टर जैसे ऐप्स हैं जो अभी भी हमारी 59 चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट में नहीं थे दोस्तों। तो भारत सरकार इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फिर से हो सकता है कि इन पे भी लगाम लगाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कुछ डाउट है या आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।